गजब बात है यहाँ पे कि रियलमी C35 के अंदर एक और अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया रियलमी ने। और दोस्तों ये जो अपडेट है क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में। क्या ये अच्छा है या बुरा है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ब्लूटूथ का प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं, वो भी बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको सारे कुछ पता चल जाएगा वीडियो में, क्या कुछ होने वाला है और कब जाके क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक और बात, अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स ये है रियलमी C35 के अंदर जो अपडेट है इस मंथ का, एक और अपडेट नवंबर 2022 का। इसका जो वर्जन है वो है RMX 35 11 PU 11 A.633 वर्जन आपको देखने को मिलता है। बाय द वे ये एक एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट है, आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको नवंबर 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और सिस्टम के अंदर आपको फिक्स सम नोनुस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। अपडेट जो है 45 MB का है आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं होता है। आपको पता है आर एडिशन का अपडेट है, इस एडिशन का नहीं है अभी भी। तो अपडेट साइज़ जो है वो छोटा है, लाइटर अपडेट है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें ब्लूटूथ का इशू यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश किया गया है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा नहीं है कि रियलमी ने कहा है कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम या फिर ब्लूटूथ का जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि आई थिंक इस अपडेट के बाद भी ब्लूटूथ का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स ना हो, पर फिर भी आप चेक कर सकते हैं अपडेट करने के 2-3 दिन बाद, आई थिंक आपको पता चल जाए कि हुआ या नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि इस अपडेट के साथ रियलमी का जो ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है रियलमी C35 के अंदर वो फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है रियलमी ने कि ब्लूटूथ का इशू जो है वो फिक्स किया जाएगा इस अपडेट के साथ। ठीक है, बात करें एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में, तो रियलमी C35 के अंदर एंड्रॉइड 12 के अपडेट का कोई अता पता नहीं है। रियलमी शायद लगता है C35 को भूल ही गया है कि इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 12 का अपडेट देना है। रियलमी एक मंथ में 3, 4, 5, 6 डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 13 का अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, बट एंड्रॉइड 12 का शेड्यूल अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहा है। बहुत से डिवाइस के अंदर अभी भी एंड्रॉइड 12 का अपडेट जो है वो पेंडिंग है, जैसे कि रियलमी C31 हो गया, C35 हो गया, नार्जो 50 प्राइम हो गया। तो इन डिवाइस के अंदर आई थिंक रियलमी को इस साल के अंदर ही कंप्लीट करवा देना चाहिए, क्योंकि 4.0 का क्रेज जो है वो अब चालू हो गया है। आपको पता है जनवरी से स्टार्ट होगा 4.0, वहाँ से 4.0 का एक अलग ही क्रेज रहेगा, वहाँ पे एंड्रॉइड 12 को सब भूल जाएंगे। एंड्रॉइड 12 को रियलमी को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर देना चाहिए इन डिवाइस के अंदर। आपका क्या राय है इसके पीछे जरूर नीचे कमेंट करके बताना कि रियलमी को इस साल बहुत ही जल्दी C35 के अंदर एंड्रॉइड 12 देना चाहिए या नहीं, नीचे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है रियलमी भूल गया है इसके पीछे कि कब जाके इसे प्रोवाइड करना था। बीटा अपडेट भी प्रोवाइड नहीं करा अभी तक, सिर्फ एयर एक्सेस दे के छोड़ रखा है। अभी भी इस एडिशन का बीटा अपडेट भी प्रोवाइड नहीं करा, जहाँ पे C31 के अंदर बीटा अपडेट अभी भी चल रहा है, वापस स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिला। बाय द वे आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना आपका क्या राय है। और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ, बहुत सारे लीक्स के साथ, बहुत सारे अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा।